तो यार बहुत वेलकम तुम्हारे इस मिहिर गलत के नेक्स्ट एपिसोड भाई। तुम देख लो मेरे सामने आज यहाँ पे गाड़ी बाहर से देखने में लग रही है अल्काज़ार पर है नहीं। हाँ भाई अनिकेत सोलंकी भाई बहुत टाइम बाद। अनिकेत भाई मुझे पहले तो मुझे ये बताओ सोशल मीडिया में थोड़ा सा आप इनएक्टिव चल रहे हो, उसका मेन रीजन क्या है? थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ पढ़ाई के चक्कर में। अच्छा पढ़ाई भी करते हो? मतलब ये पहले लोगों को बताओ ये कौन सी पढ़ाई चल रही है? अभी मेरी मतलब सीटेट का पेपर था तो सीटेट की तैयारी चल रही थी। अच्छा और साथ में आपने 360 कस्टम्स अपनी एक शॉप भी डाली है ना, और उधर ही आपने पूरी गाड़ी को मॉडिफाई किया है। तो भाई मैं समझ रहा हूँ यार ये चक्कर बहुत होता है कि जब अपना बिजनेस लेना डलता है ना तब थोड़ा सा सोशल मीडिया से टच छूट ही आता है, ठीक है? क्योंकि भाई यार एक वक्त क्या अभी भी बादशाह है अपने रोहिणी में मॉडिफाइड, अगर तुम देखो वरना अपनी बहुत फेमस है, पर भाई चाहते हो उसे थोड़ा सा बिजनेस में थोड़ा कन्वर्ट करें फिर ये तो चलता रहेगा, है ना? ये तो भाई जानते हैं कैसे करना है। ठीक तो भाई सबसे पहले मुझे बताओ ये गाड़ी अपनी है किसकी है? मेरी। अच्छा ये वही क्रेटा है जो पहले आपकी पर्सनल थी या अलग सी? अलग क्रेटा है, पर्सनल ली थी। अच्छा ये कन्वर्ट किया मैंने अल्काज़ार में। हाँ। और मुझे बताओ अल्काज़ार में ही क्यों कन्वर्ट करी, क्या रीजन था? क्रेटा की शेप अल्काज़ार जैसी है तो अल्काज़ार में कन्वर्ट करने में ज्यादा मतलब इतना टफ नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। हाँ। थोड़ा सा सोचना पड़ा, दो चार चीजें ज्यादा चेंज करनी पड़ी तो उसके लिए मगर चलो ठीक है यार किसी ने कर भी नहीं रखी कुछ अलग करते हैं। हाँ। वरना मैं तो बहुत कुछ कर लिया, आप दूसरी गाड़ी में थोड़ा काम करते हैं। पर आपको लगता नहीं कि यार अल्काज़ार से ज्यादा फेमस ज्यादा अच्छी गाड़ी क्रेटा है? आपकी बात ठीक है लेकिन क्रेटा तो हर कोई बना रहा है, क्रेटा को अल्काज़ार करके फिर उसमें मॉडिफाई करे तो एक यूनिक फैक्टर है। ऊपर हाँ। से अपनी कस्टम्स की एक डेमो कार टाइप भी होगी कि हम इतना कन्वर्जन भी कर सकते हैं। ओके उस तरीके से आपने दिमाग लगाया, ऊपर से अपनी वरना तो है ही। हाँ। है ना? तो जरा मुझे बताया यार कि अच्छा क्रेटा आपने ली जस्ट लाइक ए डेमो कार, आपने अल्काज़ार में कन्वर्ट कर दी, क्या क्या इसमें मेहनत लगी? क्योंकि ऑफ कोर्स कन्वर्जन में ना कन्वर्ट करने में बहुत दिमाग और साथ में मेहनत लगती है, ठीक है ये अपने को पता है। हाँ। ठीक तो आप मुझे बताएं क्या विजन था आपका और कैसे कैसे काम किया? मैंने पहले कंपनी में बात करी, मतलब ऐसे ही मन में आ गई थी बैठे बैठे कि भाई कुछ करते हैं अलग करते हैं, मगर वरना मैं तो बहुत कुछ कर लिया, मगर क्रेटा में करते हैं तो आर एस ग्रिल सब लगवाते हैं, डिप करा के वो टर्बो जैसी भी सब बनवा रहे हैं। बहुत सही, मगर क्या अलग करा जाए क्या अलग करा जाए, तो मगर यार अल्काज़ार में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मैंने कंपनी में बात करी, वो कह रहे भैया हम तो नहीं कर पाएंगे ये वो फलाना दिखड़ा। तो मैं चलो ठीक है भाई, तो मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया, अल्काज़ार का थोड़ा सा सामान मंगाया, फिर फिट करके देखा तो मतलब इतना कुछ फर्क नहीं था। क्या तो क्या मंगाया आपने? मैंने ग्रिल मंगाई थी। अच्छा। बम्पर और लाइट्स और फॉग लैंप्स। अच्छा हाँ बाहर से ये अंदर से ही पूरी कन्वर्ट है। अच्छा तो आपने जब मंगाया फिट किया नहीं हो रहा था उस वक्त? नहीं थोड़ा बहुत तो मतलब फर्क था। हाँ, फिर आपने कैसे कैसे जरा स्टोरी बताया? पहले मैंने ग्रिल मंगाई सबसे पहले। अच्छा तो ग्रिल फिट नहीं हुई? नहीं हुई, ठीक है क्योंकि नक्को का फर्क था फिटिंग में। हाँ। फिर मैंने बम्पर मंगाया। अच्छा बम्पर मंगाने के बाद लाइटों में इतना डिफरेंस नहीं है, लाइटों में क्या है कि सिर्फ बम्पर के साथ ही आ रहा है तो ये साथ में ही आ रहा है। अच्छा तो लाइटों का इतना फर्क नहीं है लेकिन फिर भी मैंने लाइट अल्काज़ार वाली डाली थी। उसके साथ साथ फिर फॉग लैंप्स मंगाने पड़े प्रॉपर, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई, बोनट वगैरह सब सेम है। सब सेम है, सब सेम। अच्छा तो ग्रिल की सेटिंग कैसे हुई, मतलब काटना वाटना पड़ा थोड़ा? नहीं कुछ भी नहीं, बंपर अल्काज़ार का ही ले लिया ना। अच्छा तो उससे सेटलमेंट हो गई अपनी। ओके साथ में फैंसी नंबर प्लेट दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो जैसा आप मुझे कह रहे हो कि लाइट्स में थोड़ा बहुत दिक्कत हुई क्योंकि लाइट्स जो है थोड़ी क्रेटा वाला लुक दे रही है, पर अल्काज़ार क्या इसमें चेंज कराया आपने जैसे मुझे बताओ? यहाँ पे क्रोम नहीं आता ना अल्काज़ार में, आता है उसमें क्रेटा में नहीं आता यहाँ पे। अच्छा बस ये, बाकी ये वाला जो लुक है वो पूरा अल्काज़ार में सेम है। अच्छा ओके और जैसा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जेड ब्लैक आपने पूरी करा रखी है, ठीक है, और यहाँ से आपने एलॉयज भी लगा रखी है फ्लैट टायर के साथ जी। तो ये कितने इंची अलॉय है? 20 इंची अलॉय है। ओके और साथ में फ्लैट टायर, ठीक है। तो आपकी अल्काज़ार की कन्वर्जन में क्या क्या, ग्रिल लाइट्स और क्या क्या इसमें आया? ग्रिल लाइट बम्पर और फॉग लैंप्स। और फॉग लैंप्स यही है, बाहर से यही है। और यहाँ से आपने जस्ट फॉर द मॉडिफिकेशन पर्पस आपने इंची डाल दिया, 22 इंची के वॉकन के अलॉय विद फ्लैट टायर। और अच्छा ऐसा क्योंकि आपने क्रेटा की बैचिंग रख रखी है, उसको पूरा अल्काज़ार में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? पीछे से मेरे को पसंद नहीं है। अच्छा अच्छा भाई कह रहे ये कि पीछे से आपको अल्काज़ार पसंद ही नहीं है? नहीं। ओके बहुत अजीब सी लुक है उसकी। अच्छा ओके तो ये बात है, लुक ही ब्रॉड है, मतलब हैवी लगती है पीछे से, वो थोड़ी बिची बिची सी दबी दबी सी लगती है, तो ये वाली बात है, इसलिए भाई ने पीछे से क्रेटा ही छोड़ रखा है, ठीक है। तो भाई मैं चाह रहा हूँ सबसे मेन इस गाड़ी का अंदर से लुक है ना, तो अंदर बैठते हैं फिर। और एक और चीज है। हाँ बताओ। ये मॉडल EX है। अच्छा मैंने कन्वर्ट SX ऑप्शनल में करा था। तो जरा इसको अच्छे से बताएं कि क्या है ये, कौन किसका मॉडल EX है ये? EX मॉडल क्रेटा का है ये। हाँ टेल लैंप्स इसमें पतली DRL वाली आती है। अच्छा ये मैंने चेंज करा रखी टॉप मॉडल वाली। अच्छा ये आपने प्रॉपर क्रेटा की चेंज करा रखी है? हाँ जी। बहुत बढ़िया। बाकी इसके साथ साथ आपका साइड प्रोफाइल में हैंडल क्रोम। अरे वाह बहुत से कवर लगवाते मैंने, क्रोम कवर नहीं लगवा रखे, हैंडल ही क्रोम के हैं जो पूरा से आते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है। और आगे की हेडलाइट्स। हाँ साइड ग्लास। ओके और अंदर तो है ही सारा।
स्क्रीन वगैरह सब कुछ, तो ये सब मामला है। हाँ। बाकी अब बैठे अंदर। हाँ, बिल्कुल आओ, अब अंदर बैठते हैं, ठीक है। और अंदर से एक भाई ने बहुत तगड़ा काम करा रखा है, अब जरा वो जानते हैं। ठीक, आओ भाई, ये देख लो, अल्काज़ार। अल्काज़ार की मैंने वीडियो डाली थी एक बार, एक भाई है अपने जिन्होंने डिलीवरी ली थी अल्काज़ार की, और अल्काज़ार का ना एक सुन लो, एक पहचान वाला अल्काज़ार का कलर ही एक ये है कि आपको इंटीरियर में ही, अच्छा सब गाड़ियों में इंटीरियर में यही कलर मिल रहा है, कुछ अलग भी है नहीं, अल्काज़ार में यही आता है, यही आता है, वही यार वही, क्योंकि सच में मैं देख पा रहा हूँ भाई ने ये वाला कलर देखे टच दिया अल्काज़ार का। और थोड़ा सा मैं इसको शीशे को डाउन करना चाहता हूँ, उसके लिए चाबी लगानी होगी अपने को, और प्रॉपर बात करेंगे हम कि भाई वो और कैसी कैसी क्या डिफिकल्टीज आई कन्वर्ट करने में, ठीक है। आओ भाई, शीशे हमने डाउन किए, अब जरा बात करते हैं भाई, आप बताएं अंदर से क्या क्या आपने इसमें चेंज कराया है। इसमें मैंने स्क्रीन, अच्छा अल्काज़ार की नहीं, क्रेटा की, अच्छा क्रेटा की है। हाँ, अभी मैं करने वाला हूँ चेंज, ये पैनल भी प्रॉपर अल्काज़ार वाला लगाने वाला हूँ। अच्छा, मतलब सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आपने भाई क्रेटा गाड़ी में ना अल्काज़ार का प्रॉपर थीम दे दिया है, है ना। अभी प्रॉपर कन्वर्जन बच रहा है, लेकिन प्रॉपर कन्वर्जन कराना ही क्यों है यार, एक आपने थीम दिया है ना कि आप ऐसा थीम भी दस्तो, बाकी अगर कोई बंदा आए जिसको जिसकी पॉकेट ऐसी अलाउ करती है, सारी बात पॉकेट की होती है ना, आप अपना जुगाड़ दिमाग लगा के सब कुछ कर दोगे, तो कोई भी कस्टमर आए अगर तुम लोगों की पॉकेट वैसे अलाउ करे तो भाई पूरा पैनल चेंज कर देंगे। पैनल चेंज करने में कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है, बस बाहर से पैनल लाना है, फिटमेंट वगैरह फिटिंग वगैरह करनी है, उसकी स्क्रीन लानी है, सब उदाता है। आप जरा बताएं आपने कैसे कैसे क्या फिर इसमें थीम दिया। मैंने डैशबोर्ड चेंज किया है। अच्छा, डैशबोर्ड पूरा अल्काज़ार का है। अच्छा, स्क्रीन, स्टीयरिंग पूरा, अच्छा ये भी अल्काज़ार, स्टीयरिंग पूरा अल्काज़ार का है। अच्छा, सब कुछ इसमें। हाँ, जो ये सब है ग्लॉसी क्रेटा में नहीं आता, अल्काज़ार में आता है। ओके। और ये हैंडल कवर भी ऐसा जो ऐसा है। अच्छा, ये सिर्फ अल्काज़ार में आता है, उसमें प्रॉपर प्लेन आता है। ओके, हाँ जी ठीक है। मीटर भी अल्काज़ार का अपना। अच्छा, बाकी गत्ते चारों साइड के चारों डोर। अच्छा, ये भी अल्काज़ार का ही है। ओके, और मैं देख पा रहा हूँ पीछे जैसे आपने ये जो पूरा सीट से लेकर ये पूरा सब कुछ अल्काज़ार का आपने थीम दिया है। हाँ जी। अच्छा, और ऊपर जो ये सब है, ये सब मैंने, ये डिप है और बाकी ये मैंने इंटीरियर करा रखा है पूरा ब्लैक। अच्छा, पिलर्स, छत, हाँ सीट, ये तो आपने देख लिया, सीट्स, आर्मरेस्ट, ये सब आर्मरेस्ट वगैरह। हाँ। और आपने सिस्टम में भी काफी काम करा रखा है। सिस्टम में काफी काम कर, ये अवतार के आपने कौन से ट्विटर लगा रखे हैं? हाँ, ट्विटर अवतार के हैं। अच्छा, और मिड्स मैंने डाल रखे हैं सिल्वेस्टर। सिल्वेस्टर, अच्छा ये कंपनी मैंने सुनी है। डेवबोन्स, डेवबोन्स एपोकलिप्स। अच्छा, जो आपने बाहर बैजिंग भी लगा रखी है। अच्छा, तो काफी अच्छे उसमें आता है ये। इसके साथ साथ मैंने इन्फिनिटी के 3 इंच मिड यहाँ पे लगा रखे हैं। हाँ हाँ। और अपने साइडों में पाइनर। हाँ। TS20 पीछे चार कंपोनेंट है सनडाउन के। ओ तेरी, ये चीजें देखने वाली, मतलब पीछे चार कंपोनेंट सनडाउन के हैं। हाँ हाँ। और उसके साथ साथ अपना 15 इंच का वूफर है। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ भाई सबसे पहले हम जरा सिस्टम सुनाते हैं, फिर हम दिखाएंगे पीछे भाई ने सनडाउन का लगाया, वो बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, फिर बात करेंगे कितना खर्चा है। भाई ने यहाँ पे प्रॉपर सबवूफर की पेटी लगा रखी है, और तुम यहाँ से देख सकते हो। आओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। सिस्टम मैंने चेक कर लिया है, तुम लोगों को प्रॉपर आउटपुट पता लगी होगी, ये हाई एंड सिस्टम में आता है, ठीक है। तो भाई ने काम करा रखा है, ये छोटा मोटा सिस्टम नहीं है भाई, ये तो आपने कराया है, इस पे पैसा भी उतना ही लगता है। और क्योंकि आउटपुट पता लग जाती है भाई, क्योंकि एवटार सब देख के, ऊपर से आपने कंपोनेंट्स कितना हर जगह लगा रखा है भाई, यहाँ पे लगाया है, यहाँ और पीछे वाले, क्या सीन है, ये क्या था, कंपोनेंट्स भी आ रहे हैं अभी? हाँ, कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, मुझे कंपोनेंट्स का भी बताओ यार, मतलब ऐसा क्या था, जैसे मुझे थोड़ा जानना था खुद की नॉलेज के लिए, स्पीकर नहीं लगे इसमें, है ना, सबवूफर लगा रखा है, अपने कंपोनेंट से घेरा मार रखा है, ठीक है। कंपोनेंट्स का काम, जैसे मिड्स का काम क्या होता है, और ट्विटर में जान दो ट्रेबल के लिए मिड्स क्या करता है? मिड्स लाउड होते हैं। मिड्स लाउड, तो आपने लाउडनेस के लिए इसलिए पूरा मिड से उसको घेर रखा है। चार मिड इसलिए लगवा रखे हैं चारों गेटों में। हाँ। कंपोनेंट्स क्लियरिटी देते हैं, पीछे चार कंपोनेंट है,
बाकी ये मिड है, ये भी लाउड है। मुझे बताओ कंपोनेंट्स के अंदर मिड और ट्विटर आते हैं ना, या फिर क्या होता है? ट्विटर आते हैं, कंपोनेंट्स में ट्विटर आते हैं और मिड्स अलग होते हैं। मिड्स के साथ कोई चीज नहीं आती, सिर्फ मिड्स अकेला आता है। अच्छा, और वो कंपोनेंट में नहीं गिनती होती उसकी? वो अलग होती है, मिड अलग चीज है। अच्छा, कंपोनेंट के साथ ट्विटर आते हैं, मिड के साथ नहीं आते। अच्छा, तो कंपोनेंट में ट्विटर आ रहा है, तो आपने कंपोनेंट, आप बता रहे हो पीछे आपने क्या कर रखा है डोर्स में? उसमें पीछे चार कंपोनेंट डाल रखे हैं सनडाउन के, ये वाले ना। हाँ, उसके साथ उनके ट्विटर भी साइडों में रखे हैं। अच्छा, ओके, तो ये मिड्स में नहीं आ रहा? नहीं, मिड चारों गेटों में है। चारों गेटों में। और ये TS20 है। ये TS20 क्या है? ट्विटर। ये ट्विटर है। हाँ। अच्छा, तो भाई मतलब सिस्टम में ना अपने आप में पूरा चैप्टर है, मैं देख रहा हूँ यार। मॉडिफिकेशन में सबसे अहम पार्ट तो सिस्टम होता ही है, पर ये भी जानने वाली चीज है कि अच्छा, हाँ, ट्विटर और मिड्स कंपोनेंट क्या इनका खेल होता है। हाँ, अलग-अलग स्पीकर होता है। क्यों नहीं लगवाया आपने इसमें स्पीकर का बताओ मुझे। चीज हो गई बहुत। हमने यही सुना है कि सिस्टम में स्पीकर कितना अहम होता है, पर बहुत बेसिक होता है। स्पीकर वो लगवाते हैं जैसे जो बड़ी एज के होते हैं, जिनको नॉर्मली रेडियो वगैरह सुनना होता है, वो स्पीकर लगवाते हैं ताकि उन्हें बस नॉर्मल आवाज चाहिए। अच्छा, हमें लाउड चाहिए तो उसके लिए हमें मिड की जरूरत पड़ती है, क्लैरिटी के लिए साथ में कंपोनेंट, मिड, ट्विटर, हर चीज चाहिए, क्योंकि हमें छन भी चाहिए, ट्रेवल वगैरह सब कुछ चाहिए, तो उस हिसाब से सारी चीजें सेट करनी पड़ती है। ओके, और कितना खर्चा आ गया सिस्टम की बात करें तो? सिस्टम में आपका लगभग लगा के चलो 2 से 2.5 लाख रुपए। 2 से 2.5 लाख रुपए। हाँ, क्योंकि यार काम भी अच्छा हुआ है, और जो आपने डेवबोर्ड्स के पीछे सबवूफर लगा रखे हैं, वो बहुत रिनोन ब्रांड है। ठीक है, लोग क्या है, लोग आज देखो पायनियर की चैंपियन सीरीज ओल्ड इज गोल्ड है, रीजनेबल भी आती है, इसलिए लोग ज्यादा उसमें आते हैं, पर जिसको नॉलेज है ना, वो मशेटे डेवबोर्ड्स इन सब में जाते हैं। ठीक है, जो हाई क्वालिटी, साथ में पैसे भी बढ़ते हैं उस हिसाब से। बहुत सही, काफी अच्छा लगा नॉलेज लेके भी थोड़ा सा, क्योंकि सिस्टम में थोड़ा सा जानना था, एक बार ना कभी टाइम निकाल के। ठीक है, तो थैंक यू भाई। बाकी अब यहाँ पे भाई बजा, इसको पकड़े आप, अब इसको जरा चला के देखते हैं। क्रेटा, ऑफ कोर्स, कौन सा मॉडल था ये? ये अपना 2021 का एंड है, 2021 का एंड मॉडल है ये। हाँ जी। अच्छा, तो रिसेंट में ही आ गए ये भी? हाँ। तो भाई मुझे बताओ अपना 360 कस्टम जो आपने नया शॉप खोला है, पहले तो कहाँ पे है और अब क्या विजन चल रहा है? ये अपना रोहिणी सेक्टर 24 में है, पॉकेट 11। अच्छा, प्लॉट नंबर 26-27। अगर गूगल पे डालोगे 360 कस्टम्स एंड डिटेलर्स आ जाता है गूगल मैप पे भी। अच्छा, और क्या काम होता है वहाँ पे? काम अपने सारे होते हैं, डिटेलिंग, जैसे सेरेमिक कोटिंग, PPF, कोई भी रैप कराना है। अच्छा, इंटीरियर का कोई भी वर्क है, म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड, मतलब हर चीज होती है, हर चीज, मॉडिफिकेशन की हर चीज। 360 का मतलब ये है कि गाड़ी का हर काम। लगाते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मैं सेटअप बढ़ा रहा हूँ, वो तो आप आने वाले टाइम पे देखिए आप करवा सकते हो काम, है ना। लेकिन आने वाले टाइम पे ये सब चीजें भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो अभी तक जितने बंदों ने आपसे काम करवाया उनका कैसा रिस्पॉन्स है, क्योंकि मुझे भी जानना है। देखो, मेरे पास गुजरात से, रेवाड़ी से, राजस्थान से, हर जगह से बंदे आ रहे हैं। अच्छा, करनाल से, अंबाला से, इन साइड से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, हर बंदा खुश हो रहा है। एक जन आ रहा है वो अपने भाइयों को, अपने यार दोस्तों को, सबको बेच रहा है। रीजनेबल रेट में करा रहे हो? बिल्कुल, मैं मतलब जैसे बाहर से आ रहा है तो उनकी बहुत ज्यादा ये रखता हूँ कि भाई बंदा भरोसे के उससे आया है, तो उसके लिए मैं ऐसे नहीं करता कि भाई बंदा इतनी दूर से आया तो उसको इतना रेट दे दूं कि भाई वो कराए मजबूरी में। हाँ। क्योंकि दूर से आया, मैं उसकी शर्म करता हूँ पूरी कि भाई दूर से आया बंदा तो उसकी रिस्पेक्ट मैं भी रखूं, वो मेरी रिस्पेक्ट करके यहाँ तक आया। धंधे का मेन नियम ही है भाई। हाँ। कि पैसा ही दिखाया था। हाँ। आप पहले मेरे को लोगों का प्यार जोड़ना है। हाँ, सबसे मेन, अच्छा काम करोगे तो भी प्यार मिलेगा भाई। हाँ जी, ये बहुत अहम है। ठीक है, और काफी अच्छा लग रहा भाई कि आप यार अपने मॉडिफिकेशन में घुसे हो आप, और बढ़िया काम करो यार। ठीक है, अब मुझे बताओ इस गाड़ी में टोटल खर्चा कितना आया अपना? भैया टोटल अपना लगा के चलो भाई, मैंने मतलब जोड़ा नहीं है कभी। हाँ, लेकिन अराउंड लगा के चलो 5 से 5.5 लाख रुपए। अच्छा, आ गया, ही आ गया, मतलब इतना तो है। मतलब आप ये बोल रहे हो कि किसी भी गाड़ी को आप बढ़िया मॉडिफाई करके दे दोगे 4-5 लाख में, है ना? हाँ। मतलब ये तो मैंने एक्सट्रीम किया है। हाँ। एक नॉर्मल मॉडिफिकेशन कितना कॉस्ट है इसमें? एलॉय और अच्छा अंदर से सिस्टम वगैरह, इंटीरियर थोड़ा अच्छा कर दो, 2 लाख रुपए में बहुत अच्छा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि यार रोहिणी में इतने शौकिया बंदे हैं कि भाई उन्हें 2-3 लाख से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें गाड़ी टिच चाहिए। बिल्कुल, है ना, क्योंकि रोहिणी में बहुत कल्चर आ गया भाई। तो ये चीज बहुत बढ़िया है। बाकी एक बजर में इस गाड़ी को तो खींच के देख रहा था यार, मुझे यार बड़ी अंडर पावर सी लग रही है यार ये गाड़ी, क्योंकि मैं अभी जस्ट फॉर्च्यूनर को चला के आया हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने फॉर्च्यूनर का रिव्यू किया भाई, अब वही है, मैं कंपेयर किससे कर रहा हूँ। ठीक है, वो गाड़ी कितनी सिलेंडर इंजन है और ये कितनी सीसी है वो हम जानते हैं, पर क्या बोलते हो आप, आपको कैसी लगती है क्रेटा भगाने में, आप मुझे जरा बताओ। मेरे को बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, 20 इंच ही है, थोड़ा सा फर्क तो आता ही है। हाँ। कहाँ कंपनी 17 देती है। हाँ, हाँ, और हाँ। मैंने इसमें 20 डाल रखे, उससे थोड़ा सा पिकअप में तो फर्क है ही, लेकिन इनफ है एक लोकल में, दिल्ली के हिसाब से भगाने के लिए बहुत है। अच्छा, बहुत है, चलो ठीक है। मतलब भाई ये बोल रही है कि यार बहुत बढ़िया है, बस आपने भी फॉर्च्यूनर का रिव्यू से पहले किया, आपको थोड़ा लग रहा है। लेकिन
अब कंपैरिजन करूं मैं इसका अपनी वरना से, अब वो तो ट्यून्ड भी है, बहुत कुछ है, तो उससे तो कंपैरिजन बनता नहीं है। हाँ। लेकिन अपने उसमें सेगमेंट में बहुत अच्छी है क्रेटा। कितने सीसी इंजन है इसका? इसका 1.5 1500। और कितने सिलेंडर है? 4 सिलेंडर 1500 सीसी। हाँ तो अच्छा, मतलब मेरी एक्सयूवी 300 से ज्यादा बढ़िया हो गया। टॉर्क बीएचपी कुछ पता है आपको इसका? टॉर्क बीएचपी नहीं पता, नहीं पता, लेकिन अगर हम बात करें 1500 सीसी और 4 सिलेंडर तो बढ़िया ही है यार। हाँ। ठीक है, काफी सही। क्रेटा में तो यार, मतलब क्रेटा तो यार लोगों की बहुत पसंद है ही, ठीक है, और भगाने में तुम समझ रहे हो फॉर्च के पास चला रहे हो, थोड़ा सा अंडरवाल लग रहा है, बाकी ठीक है यार। अब मैं ध्यान से सोचूं कि यार मेरी एक्सयूवी 300 से अगर कंपेयर करें तो मेरी एक्सयूवी 300 बस टॉर्क बहुत ज्यादा है, बाकी सीसी कम है। मेरी जानते हो आप, 300 में टॉर्क अच्छा मिलता है बस। हाँ, तो वो वाली चीज है, बाकी चलाने में बहुत मजा है यार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मार देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब करना। सबसे मैंने अगर तुम्हें कुछ भी काम करा रहे दिल्ली दिल्ली एनसीआर तुम कहीं से भी हो, तुम्हें 360 कस्टम्स ही आना है। रोहिणी ये बहुत वायरल चल रहा है भाई का यार, प्रॉपर शॉप है, ठीक है, तुम्हें प्यार दिखाना है भाई के इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, ठीक है। और बाकी यार तुम्हें अगर गाड़ी अच्छी लगे तो जरा कमेंट कर देना, जरा शेयर करो अपने दोस्तों में, क्या देखो कुछ बंदे ऐसे भी जो क्रेटा को यार प्रॉपर एल्काज़ार में कन्वर्ट कर रहे हैं, थीम दे रहे एल्काज़ार का, अपने हिसाब से देख लेना, हाईली मॉडिफाइड गाड़ी है, ठीक है। प्यार बरसाओ, प्यार के भूखे हम अपना काम कर रहे हैं, हमारा बस तुम लोग थोड़ा सपोर्ट करोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक। चलो वीडियो पे एंड करते हैं, तो यार मैं मिहिर करूं आपसे अगली वीडियो तक के लिए, गुड बाय। बहुत खतरनाक डीएसपी लगा रखा है क्या? नहीं, इसमें लाइव का ऑप्शन आता है ना। अच्छा, टॉप मॉडल में लाइव का ऑप्शन आता है, आता ही है। लेकिन अभी लगाना है मेरे को, डीएसपी रखा हुआ है, बस फिट कराना है, थोड़ा टाइम नहीं लग रहा। डीएसपी का अपग्रेड वर्जन भी आ गया आजकल। हाँ, वो भी सोच सकते हो आप, वो सॉफ्टवेयर है। अच्छा हाँ। चलो ये बात हम बाद में कभी किसी और वीडियो में करेंगे, तो यार मैं मिहिर करूं आपसे अगली वीडियो तक के लिए। अब तो कुछ नहीं बचेगा ना। नो, गुड बाय, साइनिंग आउट।